महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में शनिवार को नगर निगम कार्यकारिणी समिति की 18वीं बैठक सदन भवन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आयोजित की गई, जिसमें नगर आयुक्त अविनाश सिंह द्वारा पारंपरिक तरीके से कार्यसूची के अनुसार नगर निगम कार्यकारिणी समिति की 16वीं एवं 17वीं बैठक के कार्यवाही की पुष्टि के साथ कार्यकारिणी की बैठक आरंभ हुई, जिसमें विभिन्न प्रस्तावों के अनुपालन आख्या के संबंध में कुछ सदस्यों द्वारा अपनी बात रखते हुए कार्यकारिणी समिति से उसका समाधान करने हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि कार्यकारिणी की 18वीं बैठक में 5 बिंदुओं पर प्रस्ताव आया था, जिस पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। साथ ही इस मौके पर प्रस्ताव संख्या 5 के अनुसार नगर निगम के बनने वाले नए सदन भवन परिसर में ब्रह्मलीन राष्ट्र संत अवैधनाथ की प्रतिमा लगाने हेतु सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव की सराहना करते हुए प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में नगर आयुक्त अविनाश सिंह, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा सहित कार्यकारिणी के सदस्य एवं नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, राय मांगी गई थी अधिवक्ता से, अधिवक्ता भी अपनी राय दे दिए हैं कि सार्वजनिक प्रवृत्ति का रास्ता है और इस कार्य को कराया जाना चाहिए। ठेकेदार उसमें पुलिस बल की मांग कर चुका है, ना तो उसको पुलिस बल उपलब्ध कराया जा रहा है, ना इस कार्य को कराने के लिए कोई कार्रवाई। Thank you.
आज नगर निगम कार्यकारिणी की 17वीं बैठक में बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें 5 बिंदु थे हमारे एजेंडा के, जिसमें गंभीरता से हमारे सभी पार्षदों ने विचार किया है। नगर निगम के कार्यकारिणी समिति की 16वीं बैठक और 17वीं की कार्रवाई की पुष्टि, नगर निगम का कार्य समिति के 15वें बैठक कार्य समिति की अनुपालन आख्या, महानगर के विभिन्न आर्डों में जल जमाव की स्थिति पर विचार विमर्श और छिड़काव पर विचार, इन सब पर सकारात्मक बातें हुई हैं और सभी लोगों ने नगर निगम जो जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए जनता के लिए सेवा कर रहा है उसकी सभी लोगों ने सराहना की है। कुछ क्षेत्र जो अभी जल जमाव है उसको नगर निगम के सभी कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए हैं और हम एक हफ्ते के अंदर अगर भारी बारिश नहीं हुई तो हम इस पर नियंत्रण पा जाएंगे। साथ ही साथ छिड़काव, जहां जल निकासी के बाद ज़मीनें खाली हो जा रही है वहां पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी हम लोग कर रहे हैं और तेज़ी से कर रहे हैं, वहां बीमारी ना फैले इसके लिए हम तरह तरह के जतन कर रहे हैं। प्रकाश व्यवस्था पर विचार विमर्श हुआ कि हर वार्डों में 30-30 प्रकाश बिंदु लगाए जाएंगे, जहाँ पर पोल नहीं है यहाँ जहाँ बांस बल्ली पर लगा हुआ है उसको भी हम चेंज करके इस बरसात के समय में जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। नगर निगम के नए भवन परिसर में राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा लगाने पर विचार विमर्श हुआ है। सभी पार्षदों ने, हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों ने पूरी तरह से सर्वसम्मत से इस प्रस्ताव को पारित किया है और ये हम सदन भवन के उद्घाटन के समय ये मूर्ति अवैधनाथ जी महाराज की लगेगी और इसका लोकार्पण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में कराया जाएगा
और उसी समय सदन भवन का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। साथ ही साथ निर्माण विभाग जो कार्य पार्षद वरीयता से होने हैं उसको जल्द से जल्द टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। और हमारे चीफ इंजीनियर ने बनाया है कि जो कार्य स्वीकृत हो चुके हैं भारत पार्षद वरीयता में उसका टेंडर कराया जा रहा है और जल्द ही वो सड़कें और नालियां बनेगी और काम जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। यही सब चर्चाओं के बाद नगर निगम की कार्रवाई थी।